हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले ड्रॉप शैडो के बारे में। ड्रॉप शैडो का क्या यूज है कोरल ड्रा में, वो हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि लोग पता चल रहा है, ड्रॉप शैडो का मतलब यह है कि अगर कोई भी आप टेक्स्ट बनाते हो, लिखते हो, या कोई भी शेपे डिजाइनिंग करते हो, अगर उसमें कोई शैडो इफेक्ट लगाने हो, तो वहां पे हम लोग ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम लोग आते हैं, कोरल ड्रा को ओपन करते हैं और देखते हैं ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके लिए हम कोरल ड्रा को ओपन किए हैं और सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद से इस रेक्टेंगल का मैं कलर यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, येलो। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसा कलर लेना है आप ले सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको ड्रॉप शैडो इफेक्ट जो मैं दे दू वह इसी पे मैं दूं, तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको कनेक्टर टूल के नीचे जो हमारा टूल है वह है हमारा ड्रॉप शैडो टूल। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टूल हमको मिलेंगे, लेकिन आज की क्लासेस में को इस्तेमाल करना है वह करना है ड्रॉप शैडो का। तो जैसे हम ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होता है प्रॉपर्टी, और जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, फ्लैट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, मीन्स जैसा यहाँ पे नाम है उसी के हिसाब से इफेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस शेपेज के ऊपर टॉप पे देना हो और राइट साइड में देना हो शेडो, तो यहाँ पे टॉप राइट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे शेडो जो इफेक्ट आया है वो टॉप पे आया है और राइट साइड में आया है। अगर सपोज मान लो हम चाहते हैं कि बॉटम राइट साइड दें, तो हम यहाँ पे बॉटम राइट साइड दे सकते हैं। देखिए बॉटम में आया और राइट साइड आया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम करते हैं यहाँ पे क्लिक टॉप राइट, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, मतलब इसके अंदर ही यहाँ पे शेडो कलर आ जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। स्मॉल ग्लो कर देंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, किनारे किनारे किनारे। अगर आप यहाँ पे कर देते हैं मीडियम ग्लो तो ऐसा दिखेगा हमको। तो इस शेडो का मतलब इसका इफेक्ट आसानी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं और टॉप राइट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए टॉप राइट जो मैं यहाँ से बार बार कर रहा था वह सारा का सारा काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे प्लस पॉइंट बनेगा और प्लस पॉइंट के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर रख सकता हूँ, नीचे रखना है नीचे रख सकता हूँ, और लेफ्ट साइड में लेके जाना है लेफ्ट साइड में लेके जा सकता हूँ, बॉटम पे लेके आना है बॉटम पे लेके आ सकता हूँ, और इसके इक्वल इक्वल में नीचे लेके आना है तो नीचे लेके आ सकता हूँ। मतलब इसे हैंडल के सहारे हम आसानी तरीके से इसको ऊपर नीचे आसानी तरीके से कर सकते हैं। जो ऑप्शन हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर रहे थे वो प्लस पॉइंट पकड़ के यहाँ से और आसानी तरीके से मूव करा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ड्रॉप शैडो का इफेक्ट किस हिसाब से देना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देखो, और डार्कनेस कर सकते हैं कम, और भी ज्यादा कर दिया, और हल्का करना है इसको, और हल्का कर दिया हमने, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बढ़ा सकते हैं। और ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम करना चाहते हो तो यहाँ से भी ओपेसिटी को कम कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा और ज्यादा करना है तो यहाँ से और मूव करा लो, और ज्यादा हो सकता है, या यही काम हमको यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और पॉइंट यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे घटाएंगे ओपेसिटी उसी हिसाब से घटेगा यहाँ से, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, ड्रॉप शैडो एफसेट क्या देना है आपको, और बढ़ा सकते हो इसको थोड़ा सा। देखिए और भी ऐसे पोजिशन हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो पोजिशन घटा सकते हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कैसे करना चाहते हो। जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ सारा यहाँ से किया जा सकता है। सबको क्लियर है कैसे मैं कर रहा हूँ? अब ध्यान दीजिएगा, अब सपोज मान लीजिए शैडो का कलर करना हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम शेडो का कलर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पोजीशन बढ़ा घटा दिया और मैं सोच रहा हूँ शेडो का कलर दे दूँ, तो शेडो का कलर देने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शेडो कलर। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बहुत सारे कलर दे रहे हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेडो जो कलर ले लेंगे वह शेडो का कलर यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कम करना है इसको, थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और भी कलर अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना है तो और भी कलर चेंज किया सकता है, मीन्स अगर ड्रॉप शैडो का कलर चेंज करना है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं। और यहीं पे ऑप्शन दिया गया, देखिए
शेडो फेदरिंग कैसा इस्तेमाल करना है, फिदर का इस्तेमाल कितना करना है। आप बहुत ज्यादा करोगे तो कुछ ऐसा मिलता जुलता दिखेगा आपको, ऐसे कम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। प्लस ये जो शेडो लगाया गया है, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इस पोजीशन को, टू पे करता हूँ, और जो शेडो लगाया गया है थोड़ा और कम करता हूँ बस। और मैं अपने रिक्वायरमेंट की सर को चाहता हूँ कि क्या करूं, फिदरिंग का जो डायरेक्शन है इन साइड कर दूं कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, मिडिल कर दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, अगर मैं आउटसाइड कर दूंगा तो कुछ ऐसा ग्लो आ जाएगा, और एवरेज कर देंगे तो इक्वल आएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका एंगल चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे फिदरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो इसमें भी बहुत सारे कलर दिए गए हैं, मल्टीप्लाई ऑप्शन है, नॉर्मल कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ठीक है। और भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर देखो, यहाँ से और चेंज किया सकता है, मतलब किस कलर का आपको इस्तेमाल करना है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, आप लोग एक एक करके ओवरलेप कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, सॉफ्ट लाइट कर देंगे तो यह इफेक्ट है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक सबसे बेटर तरीका होता है मल्टीप्लाई या नॉर्मल, नॉर्मल करेंगे तो बेटर तरीके से दिखाई देता है और कलर भी आसानी तरीके से चेंज किया जा सकता है। क्लियर है यार, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सपोज मान लीजिए हमने जो भी लगाना है लगा दिया, शेडो का इस्तेमाल किया, और मैं लास्ट में चाहता हूँ शेडो कंप्लीट हो गया हमारा, यहीं पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, मींस अगर मान लो यहाँ पे लगाने के बाद से बाहर क्लिक कर देते पिक टूल, और सपोज हम शेडो लगा चुके हैं और शेडो इफेक्ट हमको हटाना है, तो हम एक बार शेडो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने में जो भी हमने शेडो लगाया है, इफेक्ट अप्लाई किया है, अगर उसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लगाना तो यहाँ से लगाया भी जा सकता है और ऐसे मूव भी किया जा सकता है, और इसको हटाना तो यहाँ से क्लियर ड्रॉप शैडो पे क्लिक करके इसको क्लियर भी किया जा सकता है। सपोज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर हो गया, ये हमारा था रेक्टेंगल पे। अगर मान लीजिए सपोज यही इलिप्स पे लगाना है तो सेम वही प्रोसेस है, हमको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने बाद कलर करना होगा, और कलर करने बाद यहाँ पे शेडो हमको देना है, बस हम यहाँ क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। अरे कोई जरूरी नहीं, कोई भी कलर ले सकते हैं, कर कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे शेडो का कलर चेंज करना है तो मैं यहीं पे लाके छोड़ दिया पोजीशन, देखो इसका शेडो नीचे बन गया है। अब कलर करना है तो अपने रिक्वायरमेंट के कलर, तो बाय डिफॉल्ट शेडो का कलर यही कुछ होता है, ब्लैक, ठीक है, ऐसे ही इस्तेमाल करें तो सबसे बेटर है, कलर दूसरा ले लो तो ऐसे कुछ है, तो ये हमारा शेडो लग रहा है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ सब पे अप्लाई ऐसे ही कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कैसे करना चाहते हो। क्लियर है, यहाँ सब लोग कर ले जाएंगे ना, तो आप लोग इसका प्रयोग करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग कैसे क्या करना कैसे नहीं करना, ध्यान देना, तो आप लोग ऐसे कर ले जाओगे ना। अब यही काम अगर मान लो हमें शेडो जो लगाना है वो हमें टेक्स्ट पे लगाना है, तो कैसे लगाए, क्या प्रोसेस है, ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ उसका सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें सेटिंग अलग है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हमको इस पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट में यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूं, और मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब सपोज मान लीजिए इस पे हमको ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल करना, तो ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना होगा, और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद से ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ से आएंगे और यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहीं पे क्लिक करके, जैसे अब जहां पे रखना है इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। सपोज मुझे ऐसे ही रखना है शेडो, कुछ ऐसे दिखाना है तो नीचे दिखाना थोड़ा सा ऐसे करके, तो हम क्लिक करेंगे तो शेडो इफेक्ट ऐसे आ जाए। अब शेडो का अगर मान लो अपने रिक्वायरमेंट के से ऊपर करना तो ऊपर भी किया सकता है, ठीक है, साइड में करना है साइड भी किया सकता है, और कलर करना है तो सेम वही प्रोसेस है, आप आसानी तरीके से शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हो, बस हम यहाँ क्लिक किए और शेडो का कलर अप्लाई कर, ठीक है, क्लिक किया शेडो का कलर अप्लाई कर दिया, तो आपके ऊपर है इसको इस्तेमाल कैसे करना, ये आप आसानी तरीके से कर सकते हो।
हो जाएगा। ये शेडो कैसे लग रहा है बोलिए? तो आप इसको शेडो को लगाने के बाद से अब इसका बीच थोड़ा सा हाइट पतला मोटा कर सकते हैं। यहां से भी मैंने बताया आपको कि क्या एंगल होना चाहिए, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। हाँ, अगर आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते तो कैसे होगा? जैसे मान लो मैं कर दिया बॉटम लेफ्ट, कुछ ऐसा आ रहा है, कलर चूज कर लेंगी, तो यहाँ से भी आप लोग प्रयोग करके देखिएगा। टॉप पे आ गया, ठीक है, टॉप लेफ्ट आ गया, तो आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करोगे, जैसे करोगे वैसे अप्लाई होगा, आपके ऊपर कैसे देना चाहते हो जाएगा ना। ऐसे किनारे भी दे सकते हो आप लोग, एंगल सेम वही है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइएगा, इसका इस्तेमाल करके देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सारे ऑप्शन वही दिख रहे हैं जो मैंने अभी पढ़ाया और समझाया और बताया, क्लियर है ना? तो इस पे भी टेक्स्ट अप्लाई करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, अगर मान लो हम नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रेट कर देते हैं, कुछ ऐसा भी इफेक्ट दिखेगा आपको, किनारे थोड़ा सा कर देते हैं इसको, देखो इस टेक्स्ट पे, और कलर कर देते कुछ अलग, ठीक है? तो पोजीशन आप बढ़ा घटा सकते हैं, पोजीशन हमने बढ़ाना घटाना बताया ही था, कैसे क्या करना है आपके ऊपर है। हो जाएगा जी, कर ले जाओगे ना, तो ये इफेक्ट देखो किनारे किनारे दिख रहे हैं आपके रिक्वायरमेंट। हाँ, यहाँ पे सेम वही है, आउटसाइड कर देंगे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और मिडिल करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा, और एवरेज करेंगे तो इक्वल आएगा, और इनसाइड कर देंगे तो ऐसा है। ये क्लियर है? ड्रॉप सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए, इस्तेमाल कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसी में हम लोग अगले टूल के बारे में भी जान लेते हैं। अगला जो टूल है वह है हमारा कंट्रोल टूल। ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब, क्या यूज है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना सुनिए, ठीक है? इसी टूल का इस्तेमाल कभी आ जाएगा तब परेशान मत रहना, तब अभी हम टूल पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी कुछ और बता दीजिए, और टूल में पूरा बाकी है ये सब, क्या किसका क्या यूज है, ठीक है, बता दे रहा कुछ और। फिर आधार कार्ड वाला, नहीं सर, ये वाला टूल अभी आधार कार्ड में चले गए,